तो ये है हमारी होममेड चॉकलेट फिल कुकीज़, जो बिना चॉकलेट, बिना अंडे, बिना ओवन और बिना बटर के बनाई गई है। तो ये मैंने कैसे बनाई है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हाय फ्रेंड्स, आज हम चॉकलेट फिल्स कुकीज़ बना रहे हैं। हम ये बिना चॉकलेट के बना रहे हैं, इसलिए मैं ये पहले चॉकलेट का पेस्ट तैयार कर लेती हूँ, उसकी फिलिंग्स तैयार कर लेते हैं हम। उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, 2.5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें पीसी हुई चीनी का पाउडर डाल दिया है। अब मैं इसको गर्म पानी में इसका पेस्ट बनाऊंगी। ये टोटल इसमें 2 टेबल स्पून पानी गया है, पानी गर्म डाला है हमने, ठंडा नहीं। और ये देखिए इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये देखिए ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, इतना गाढ़ा रखें इसको। और अब मैं इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी, फ्रिज में रखूँगी, फ्रीजर में नहीं। ये मैंने डो बनाने के लिए 1 टेबल स्पून कोको पाउडर और ये 250 ग्राम मैदा ले लिया है। अब इनको हम अच्छे से छान लेंगे। ये मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया है। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी, चीनी मैंने 100 ग्राम ली है, जो मैंने एकदम फाइन पाउडर बना दी है। अब हम पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि इसमें बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, चीनी सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें 50 ml घी डालूँगी, मैं मक्खन नहीं डाल रही हूँ। अब मैं घी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी पूरे में। घी या बटर इसमें बराबर हुआ है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये ऐसे हाथ में बांध के देखें। अगर ये अच्छे से बन रहा है तो मतलब हमारे इसमें घी या बटर बराबर है। तो अब हम इसका डो बना लेंगे। डो बनाने के लिए जितने दूध की ज़रूरत होगी मैं उतना दूध डालूँगी इसमें, 2 या 3 टेबल स्पून जितनी भी ज़रूरत होगी उतना ही डालूँगी। तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालेंगे इसमें, और दूध ठंडा डालेंगे, गर्म नहीं। ये मैंने इसका डो बना लिया है। ये डो बनाने में 4 टेबल स्पून दूध लग गया है। अब हम इसको अच्छे से सेट करके रख देते हैं और कुकीज़ बनाना शुरू करते हैं। कुकीज़ मैं बाटी कुकर में बना रही हूँ, तो मैंने बाटी कुकर प्री हीट होने रख दिया है। ये मैंने 1 टेबल स्पून दूध पाउडर और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के ये गाढ़ा पेस्ट बना लिया है, जिसको हम कुकीज़ के ऊपर लगाएंगे, जिससे वो ऊपर से भी ब्राउन हो जाए। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने छोटे छोटे बिस्किट्स तैयार किए हैं। अब मैं इनमें ये फिलिंग्स डालूँगी। ये हमारी फिलिंग्स भी रेडी है, चॉकलेट वाली। ये ज़रा ज़रा सी फिलिंग डालेंगे हम इसमें बीच में, और ऊपर ये दूसरा पार्ट रख के इसको बंद कर देंगे। ये ऐसे हम सारी कुकीज़ रेडी कर लेंगे अपनी, अच्छे से बंद करके अच्छा सा कुकीज़ का शेप दे देंगे। ये देखिए कहीं से फिलिंग्स बाहर नहीं आ रही है, इसको अच्छे से पैक कर देंगे हम। हल्का सा फैटन करेंगे वापस, कहीं से दरारें हों तो उसे आप बंद कर लें अच्छे से। ये मैं ग्रीस किए हुए प्लेट में इसको रख रही हूँ, और ऐसे ही मैं सारी कुकीज़ रेडी कर लूँगी। ये मैंने सारी कुकीज़ रेडी कर ली है। अब मैं इस पर ये जो दूध पाउडर का हमने पेस्ट बनाया था दूध डाल के, वो इनके ऊपर लगाएंगे, ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से सिक जाए, ब्राउन हो जाए। इन सब पे लगा देंगे ये अच्छे से हम। ये सब पे मैंने दूध पाउडर का पेस्ट लगा दिया है। अब मैं इसको प्री हीटेड बाटी कुकर में लो फ्लेम छोड़ दूँगी। तो ये देखिए 10 मिनट मैंने इनको एक तरफ से बेक किया है, और अब इनको पलट के मैं 10 मिनट के लिए दूसरी तरफ से भी बेक कर लूँगी। तो टोटल 20 मिनट में ये अच्छे से बेक हो जाएगी, और फिर हम फ्लेम को ऑफ करके इनको निकाल लेंगे। अब ये हमारी चॉकलेट कुकीज़ रेडी है, जिनको मैंने अच्छे से 20 मिनट तक बाटी कुकर में बेक कर लिया था। ये देखिए आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी कुरकुरी बनी है। और एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए अंदर से आपको चॉकलेट फिलिंग नज़र आ रही है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है।
और बाहर से कितनी कुरकुरी बनी है। तो आप भी ऐसे इजी वे में बिना बटर के, बिना अंडे के और बिना इसको बीट किए घर में इजी वे में चॉकलेट फिल कुकीज़ बनाइए और बच्चों को सरप्राइज़ कीजिए। थैंक यू।